कक्षा सिक्स और सेवन विषय है संस्कृत और हमारा चल रहा है संधि प्रकरण। संधि प्रकरण हम चालू किए थे व्यंजन संधि, व्यंजन संधि चालू कर चुके थे और इसके पहले भी अशुद्ध संधि के बारे में मैं आपको बताया भी था, अशुद्ध संधि के नियम आदि में आपको दिखाया था। इसके आज हमें करना है उदाहरण, क्या करना है उदाहरण अशुद्ध संधि के हमें करने हैं। जैसे नंबर एक पे पहला उदाहरण लेते हैं, सत प्लस चित, सत प्लस चित। अभी देखिए ये पहला पद है, दूसरा पद। शुद्ध संधि का नियम क्या कहता है कि पहले पद के अंत में त आए प्लस करके दूसरे पद की शुरुआत में श या च वर्ग है, ठीक है, स संकर वाला स या त वर्ग है, तो ये त च वर्ग में बदल जाएगा। त अपने वर्ग का प्रथम अक्षर है, तो ये च वर्ग के प्रथम अक्षर में बदल जाएगा। और च वर्ग का प्रथम अक्षर क्या होता है, च होता है। क्यों, क्योंकि त के बाद में यहां पर देखिए अपना ऑप्शन या तो स आ जाए या च वर्ग का कोई वर्ण आ जाए, तो यहाँ च वर्ग का वर्ण आया हुआ है च, ठीक है। इसलिए त किस में बदल जाएगा, च त आधा है तो च भी आधा ही हो जाएगा। अब यहाँ पे त के स्थान पे च आ जाएगा प्लस चित। अब इनको जोड़ के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सचित, क्या हो जाएगा, सचित। जोड़ के लिखने पर क्या बन जाएगा, सचित। उदाहरण नंबर दो, दूसरा उदाहरण है रामस प्लस चिनोद, रामस प्लस चिनोद। ध्यान से देखिएगा, पहला पद दूसरा पद, यहां पहले पद के अंत में क्या आ रहा है, सो आ रहा है, ठीक है, प्लस करके पहले पद के अंत में सर पला सो आ जाए, प्लस करके अपना नियम है कि संकर वाला सो आ जाए या चौ वर्ग आ जाए, यानी चौ वर्ग के कोई अक्षर आ जाए, तो ये सर्प वाला स्व भी किस में बदल जाता है, संकर वाले स्व में बदल जाता है। ये सर्प वाला स्व किस में बदल जाता है, संकर वाले स्व में बदल जाता है, यानी सर्प वाला स्व संकर वाले स्व में बदल गया। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, रामस प्लस चिनोती, क्या हो जाएगा, रामस प्लस चिनोती। अब जोड़ करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, रामस चिनोती, ये अपना बन जाएगा रामस चिनोत, क्या बन गया, रामस चिनोत। उग्रा है, अगला है हरीश सेते, नंबर तीन पे दिया हरीश प्लस सेते। ये पहला पद, ये दूसरा पद, यहां देखिए पहले पद के अंत में सर बोला सा रहा है, प्लस करके अपना नियम है कि पहले पद के अंत में शंकर वाला सा आ जाए और नहीं तो चौ वर्ग आ जाए, तो ये सर्प वाला स भी किस में बदल जाता है, संकर वाले स में बदल जाता है। तो यहाँ सर्प वाला स है प्लस करके स वर्ण आ गया, तो ये संकर वाले स में बदल गया। अब बदल करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, हरीश प्लस सेते। जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, जोड़ने के बाद बन जाएगा हरीश सेते, क्या बन जाएगा, हरीश सेते। नंबर चार, चौथा उदाहरण लेते हैं, रामस प्लस च, रामस प्लस च। नियम वही, देखना है पहला पद दूसरा पद, पहले पद के अंत में स आ जाए सर्प वाला, प्लस करके शंकर वाला स आ जाए या च वर्ग आ जाए, यानी च वर्ग की कोई अक्षर आ जाए, तो ये स किस में बदल जाता है, शंकर वाले स में बदल जाता है। वही परिस्थिति आ गई, जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, रामस प्लस च, जोड़ने बन जाएगा रामस च, रामस च। एक बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आपको समझने का प्रयास करना, यदि थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कर लेंगे
तो आप इसको बड़ी ही सरलता से कर सकते हैं। पहली बात, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, व्यंजन संधि में वर्णों का खेल होता है, और वर्णों के खेल को जो समझ लिया वो बड़ी ही सरलता से उत्तर दे सकता है। इसमें व्यंजन संधि में वर्णों के जाल होते हैं, और इन वर्णों के जाल को जो समझ गया वो बहुत ही सरलता से उत्तर दे सकता है। तो अपने को उदाहरण याद नहीं करना है, इन वर्णों के जाल को समझना है, और इन वर्णों के जाल को समझ करके हमें उत्तर देना है। आज मैं आपको जो उदाहरण कराया, इन उदाहरणों को समझिए, और भी उदाहरण करने का प्रयास कीजिए, अपने देखिए कि कौन से वर्ण को कहाँ पे ला करके किस प्रकार से बदला गया है। सबसे पहले, इससे पहले वाले वीडियो में जो इसके नियम बताए, तरीके बताए, उस नियम और तरीके को आप पढ़िए, उसके बाद उदाहरण कीजिए, बहुत ही सरलता से आप उदाहरण कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।